सो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। एक और व्लॉग में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। दोस्तों आज का व्लॉग जो है काफी इंटरेस्टिंग रहेगा, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं जा रहा हूँ जम्मू। जी हाँ, डोडा से मैं जा रहा हूँ जम्मू, कुछ काम से, कुछ पर्सनल काम से मैं जा रहा हूँ जम्मू। तो चलिए इस व्लॉग को हम जल्द से जल्द शुरू करते हैं और आपको दिखाते हैं रास्ते का पूरा व्यू। बस में जाने वाला हूँ मैं, तो चलिए जल्द से जल्द अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फिलहाल के लिए मैं रेडी हो जाता हूँ, तो उसके बाद यहाँ से निकलते हैं जल्द से जल्द। तो दोस्तों अभी के लिए मैं आ चुका हूँ रोड पे। अभी बस जो है आ रही है, बस अभी पहुँच जाएगी इधर। बस एक दो मिनट में मैं बस में बैठ जाऊँगा और फिर यहाँ से निकलते हैं। One hour later. तो दोस्तों अभी के लिए हम जो रुके हैं वो रुके हैं बग्गर में। यहाँ पे जो बस है वो रुक चुकी है। और मैं आपको बता दूँ, जैसे कि आपको पता है कि जम्मू और कश्मीर में कुद जो जगह है वो स्वीट्स की वजह से मशहूर है, तो वैसे ही जो ये बग्गर है ये यहाँ की राजमा दाल की वजह से बहुत ज़्यादा मशहूर है पूरे जम्मू और कश्मीर में। तो आप जब भी विज़िट करो जम्मू में, तो बग्गर नामिक एक जगह है, वहाँ पर ज़रूर आएँ और यहाँ की दाल को एक बार टेस्ट करके देखें। बहुत ज़्यादा टेस्टी दाल है और काफ़ी दूर दूर से लोग आते हैं यहाँ की दाल खाने को। तो अभी फिलहाल के लिए हम रुक चुके हैं, मुझे तो फिलहाल कुछ नहीं खाना। ये बस जो है किश्तवाड़ से आई है, तभी ये यहाँ पे रुकी है, क्योंकि डोडा की बस जो है जब वो जम्मू के लिए जाती है तो वो यहाँ पे नहीं रुकती है। वो शायद यहाँ रुके, या तो रुकेगी तो चनैनी में रुकेगी, वरना नहीं रुकती है। ये किश्तवाड़ की बस है और किश्तवाड़ जो है डोडा से अराउंड 90 से 100 किलोमीटर की कुछ ऐसी दूरी पर है किश्तवाड़। तो तभी वो बस जो है यहाँ पे रुकती है, क्योंकि अभी ये बस जो है 100+ किलोमीटर चल चुकी है और जो पैसेंजर है उनको भूख वगैरह भी लगी, क्योंकि ये बस सुबह सुबह ही निकली है। तो दैट्स वाई ये बस यहाँ पे रुकी है, वरना अगर डोडा की बस होती तो वो यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं रुकती। चुके हैं जाम में, ट्रैफिक जाम में बहुत खतरनाक जाम में, तकरीबन आधा घंटा हो गया। और हम चनैनी में अभी जस्ट अभी टनल क्रॉस किया, तो उसके बाद ही जाम शुरू। सो फाइनली पहुंच चुके हैं हम जम्मू। और अभी के लिए फिलहाल अब मैं हूँ केसी में और मुझे लगी है भूख, तो सबसे पहले कुछ खा लेता हूँ, तो उसके बाद मैं दूसरी गाड़ी में चढ़ के बठिंडी जाऊंगा, क्योंकि मेरा रूम वहीं पर है बठिंडी में। तो ये रहा वेव मॉल जम्मू, और डायरेक्टली इसके अपोजिट है बठिंडी, और देख सकते हैं ये बठिंडी है। वो ये
ये जो है वो है वेमॉल, ये बाईपास जम्मू पड़ता है, ये रोड जो ये हाईवे जो है ये बाईपास जम्मू, मेन जम्मू जो है वो उधर नीचे है, नीचे बतावी के पार। 5 minutes later मस्जिद चौक बठिंडी है और वहाँ पर आप पढ़ सकते हो, वहाँ पे लिखा है मक्का मस्जिद और ये अंदर मस्जिद है। इसका व्लॉग मैं डालूंगा कल इंशाल्लाह, अगर मैं यहाँ पे गया तो इसका भी व्लॉग मैं जरूर से डालूंगा, बट ये है यहाँ की पूरी मक्का मस्जिद। 5 minutes later तो कुछ इस घर में है मेरा रूम और अब फिलहाल चलते हैं अंदर, आपसे मिलते हैं सीधा अंदर। सो फाइनली गाइस जस्ट अभी मैं पहुंचा, वो मुझे काम था, पापा का कुछ काम था नरवाल में, वो काम भी मैंने ख़त्म कर दिया और अभी जस्ट मैं पहुंचा। खाना वगैरह मैंने नरवाल में खाया और आप गर्मी देख सकते हो, पसीना देख सकते हो और कपड़ों की हालत देख सकते हो, ये बिल्कुल पसीना है, पानी बिल्कुल भी नहीं है, ये मैं पसीने से लथपथ हूँ इस वक्त, पूरा गर्मी बहुत। जस्ट अभी लाइट आई, अभी जस्ट लाइट आई और फैन अभी ऑन ही हो रहा है, तो अब जाके मैं थोड़ा रिलैक्स हो जाता हूँ। बट अब शर्ट जो है मुझे धोनी पड़ेगी, अब मुझे नहीं पता यहाँ पर कोई शर्ट है या नहीं है, बट हालत बहुत बुरी है। चलिए अब आपसे मुलाकात होती है अगले व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।